हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पहाड़ी राजमा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से इस राजमे को बनाया जाता है, पर ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, तो आप एक बार से इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में जो है सरसों का तेल लिया है। इसमें हम डालेंगे छोटी आधी चम्मच ज़ीरा, और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके। तो मैंने यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और सात आठ लहसुन की कलियाँ ले ली थी। अब जब लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें यहाँ पर मीडियम साइज़ की दो प्याज को ऐड कर देंगे, जिसको हमने बिल्कुल बारीक जो है चॉप किया हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक बार चला देंगे और प्याज को भी हम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने जो है तीन टमाटर जो है अच्छी तरीके से बारीक चॉप कर लिए हैं। टमाटर और आमचूर इसमें ज़रूर से डालें, क्योंकि इसमें हल्का सा जो टैंगी फ्लेवर आता है, उससे राजमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है मीडियम साइज़ के तीन टमाटर लिए थे, जो बिल्कुल पके हुए टमाटर है, काफ़ी खट्टे टमाटर हैं ये। तो हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसको कद्दू क्रश भी कर सकते हैं, या फिर ग्राइंडर में इसको पीस लें। तो टमाटर का कच्चापन निकल चुका है, एक मिनट हो गया। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें दो बड़ी चम्मच भरकर हम यहाँ पर डालेंगे सूखा धनिया, यानी धनिया पाउडर। एक टेबल स्पून आप इसमें डाल दें लाल मिर्च, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च, मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ली है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वन पॉट राजमा बना रही हूँ, यानी हम राजमे को अलग से बॉईल नहीं करेंगे। बिना किसी बर्तन को साने हम एक ही प्रेशर कुकर में राजमा बनाकर तैयार करेंगे। इसी में हम मसाला भुनेंगे, इसी में हम राजमे को पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच भरकर इसमें आमचूर डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें मसालों के साथ में, और जब भी आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो एक दो टेबल स्पून आप इसमें पानी डालकर मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। जब आप इस तरीके से राजमा बनाते हैं कि मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद आप इसमें इसमें जो है रात का भीगा हुआ राजमा ऐड कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा एकदम फ्लेवरफुल राजमा बनकर तैयार होता है। क्योंकि जब राजमा इसके साथ में पकेगा, बॉयल होगा, तो मसालों का जो टेस्ट है ना, वो राजमे में अंदर तक जाता है। और बहुत इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए राजमा मैंने 8 घंटे के लिए भिगो दिया था, इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इस रात भर के भीगे हुए राजमे को प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर में इसको डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और 30-40 सेकंड के लिए इसको इसी तरीके से भून लें। इसके बाद आपको जितना पानी ऐड करना है, जितना आपको राजमे की कंसिस्टेंसी चाहिए, उतना आप इसमें पानी ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो फिलहाल आप प्रेशर कुकर में इतना पानी डाल दें जिसमें राजमा अच्छी तरीके से पक जाए, और उसके बाद प्रेशर कुकर खोलने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी को आप बाद में भी मेंटेन कर सकते हैं। मैंने इसमें एक बड़ा कप पानी डाला है, लगभग 500 ml मैंने यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो ढक्कन में मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है, ताकि जो है प्रेशर से जो मसाले हैं वो बाहर ना निकलें। यानी आप अगर इस तरीके से सीटी पर जो है तेल डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी जो है पानी बाहर नहीं आता है प्रेशर कुकर से। इसके बाद हम 5 से 6 सीटियाँ लगाएंगे, और उसके बाद जो है 20 मिनट के लिए गैस का फ्लेम स्लो करके, स्लो फ्लेम पर इसको 20 मिनट और पका लेंगे। तो देखिए टोटल टाइम कम्प्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर खोल दिया है। तो ये देखिए राजमे की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी तरीके से राजमा जो है यहाँ पर गल चुका है। बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट राजमा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको पतला राजमा पसंद है तो आप इस टाइम पर इसमें पानी ऐड कर लें, और अगर आपको थिक राजमा पसंद है तो आप राजमे को ऐसे ही रहने दें। राजमा राइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से राजमा यहाँ पर गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट राजमा हो गया था ये। इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और धनिया, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को डालकर आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम बंद है। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी राजमा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म चावल के साथ में आप इसको सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पर पहाड़ी राजमा बनाया था, ये वो वाला राजमा है जिसको हड़सिल राजमा भी कहते हैं, जो चितलीदार होता है, जिसपे वाइट वाले राजमे के ऊपर डॉट डॉट होते हैं। ये वो राजमा है जो मोस्टली पहाड़ों पर ही बनाया जाता है। ये चंबा वाला रेड कलर का राजमा नहीं बनाया है मैंने यहाँ पर। तो इसको हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं, और हमारा मज़ेदार सा पहाड़ी राजमा बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी राजमा बनकर तैयार होता है ये वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।